छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के समापन समारोह एवं पारितोषिक वितरण समारोह होटल ग्रैंड इम्पीरिया के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरीश देवांगन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष संजय कपूर, रायपुर विधायक कुलदीप जुनेजा, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर मंच पर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज स्पर्धा का फाइनल मैच वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इम्पीरिया में खेला गया। इस मैच में जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया 10 में से 7 चक्रों में विजय हासिल कर 3 चक्रों में बाजी बराबर करते हुए कुल 8.5 अंक अर्जित कर प्रतियोगिता के विजेता बने। उपविजेता का खिताब रूस के ग्रैंड मास्टर बोरिस सेवचेनको को प्राप्त हुआ। इन्होंने 10 में से 7.5 अंक हासिल किए। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाले ग्रैंड मास्टर माइकल क्रेसिनकोव पोलैंड एम श्याम सुंदर ने 7.5 अंक हासिल किया, लेकिन चेस नियमों के अनुसार उन्हें क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। सभी विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों ने सम्मानित किया। आयोजन की सराहना करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संजय कपूर और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, जो विदेश और देश भर के नामचीन खिलाड़ियों ने शतरंज का खेल दिखाया। इस आयोजन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताती है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो रायपुर में संपन्न हुआ 21 साल बाद, अपने आप में अभूतपूर्व है। और 35 लाख इनामी राशि का टूर्नामेंट था जिसमें 15 देश आए। छत्तीसगढ़ की धरती के लिए कितनी अच्छी बात है कि वो छत्तीसगढ़ की धरती पे आए, पूरे विदेश के प्लेयर्स आए हमारे धरती पर। मुझे लगता है कि एक शानदार टूर्नामेंट का समापन हुआ आज, और ऐसे टूर्नामेंट अगर देश में होते रहेंगे तो चेस का विकास होता रहेगा और छत्तीसगढ़ स्टेट का भी विकास होगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट यहाँ हुआ, बहुत अच्छी बात है। और ये छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म देने का है, छत्तीसगढ़ में प्लेटफॉर्म मिला है, और आशा करते हैं कि भविष्य में यहाँ अच्छे बच्चे चेस में शतरंज में अच्छे खिलाड़ी पैदा होंगे और एक लगाव भी पैदा होगा और ये प्रतियोगिता और आगे जाके छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से आयोजित की जा सकेगी। महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच का ही नतीजा है जो छत्तीसगढ़ में इस तरह का आयोजन हो सका है। इस आयोजन के लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करती है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट की आज समाप्ति हुई है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी चेस प्रतियोगिता का था, पूरे देश के लोग, देश के हर कोने से लोग आए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब से उनका कार्यकाल आया, उनके 3 साल में एक तो जो खेलों को जो एक गढ़ का रूप दिया गया है, खेलगढ़ जो बना है, दूसरी चीज खेल का विकास प्राधिकरण बना। उसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री जब से भूपेश बघेल जी बने हैं तब से हम रोड सेफ्टी भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी देख रहे हैं, बॉक्सिंग भी देख रहे हैं, गाड़ी जो उसमें वो होता है वो भी देख रहे हैं, चेस भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन भी हमने देखा। तो जो खेल को एक नई पहचान मिली है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उससे मिली है। आने वाले समय में और भी अच्छे खेल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले समय में ये सबका एक बहुत अच्छा फायदा होगा। यहाँ अच्छे प्लेयर अब निकल के छत्तीसगढ़ से भी आएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। आज इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट का समापन था और इस समापन के कार्यक्रम में जो ग्रैंड मास्टर बने उनको सबको प्राइज दिया गया, बड़ा अच्छा लगा। थोड़े दिन से चेस जो टूर्नामेंट हो रहा था, एक बड़ा अच्छा खेल है और पूरे बाहर से भी लोग यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, तो हम लोगों को भी देख के अच्छा लगता था। और यहाँ से जितने लोग भी आए थे सब खुश होके गए कि एक अच्छा इंतजाम के साथ, अच्छी जगह हमारे को सारी सुविधाओं के साथ हमको मिली है, ये बड़ा खुश होके गए। जो मैं जीते हैं उनको बधाई देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा वैसे भी खेलों के प्रति है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल राष्ट्रीय स्तर के खेल सब होते रहे यहाँ पर, और वो हो भी रहे अब धीरे धीरे। और उनको इच्छा है कि यहाँ पर उनको मंच दिया जाए और अच्छे अच्छे कोच दिया जाए, ऐसी उनकी मंशा है। हम लोग भी सब उनकी मंशा के अनुरूप काम